अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं असदुल्लाह। व्यूवर्स, कराची में मानसून सीज़न का जो शुरुआत है वो हो चुकी हैं और बहुत अच्छा क्लाउडी वेदर है आज कराची का, तो सोचा आपको जो सेंट्रल पार्क है यहाँ पर बहरिया पैराडाइज़ में उसका प्रॉपर एक आपको विज़िट करवाते हैं और उसके बाद ये जो यहाँ इसके सामने सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स बन रहे हैं 2 बेड के, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो चले पहले हम आपको जो सेंट्रल पार्क है उसकी पूरी हम आपको सैर करवाते हैं और उसके बाद हम अपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे और वहाँ पे उनके अपार्टमेंट्स के बारे में उनका क्या स्टेटस है वो हम आपको बताएंगे। तो चले मेरे साथ आपको पूरा एक विज़िट करवाते हैं सेंट्रल पार्क का। जी व्यूअर्स, आपने सेंट्रल पार्क का प्रॉपर विज़िट जो है वो आपने किया है। इस पार्क को जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जो हिस्टोरिकल सेंट्रल पार्क है उसका रेप्लिका जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसका टोटल एरिया जो है वो 32 एकड़ है और इस पार्क की अगर मैं लोकेशन के बारे में आपको बताऊँ तो ये बहरिया पैराडाइज़ जो कि बहरिया टाउन के अंदर इटसेल्फ एक गेटेड कम्यूनिटी है और जिसकी लॉन्चिंग प्राइस जो है वो बहरिया ने सबसे महंगी रखी थी, उसके अंदर ये मौजूद है। और पहले जब आप बहरिया पैराडाइज़ में आते थे तो आपको प्रेसिडेंट 51 के बाद आपको इस पार्क में एक्सेस करने के लिए कोई रास्ता आपको नहीं मिलता था, प्रॉपर रास्ता जो है वो मौजूद नहीं था। लेकिन अब बहरिया टाउन की तरफ से प्रेसिडेंट 51 के बाद प्रॉपर एक कारपेट रोड जो है वो इसके अंदर आपको दिया गया है, तो आप प्रॉपर एक कारपेट रोड के थ्रू आप इस पार्क को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इस पार्क के बिल्कुल सामने, ये मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि 2 बेड के अपार्टमेंट्स जो हैं वो बहरिया की तरफ से दिए गए हैं। 1100 स्क्वायर फीट के 2 बेड अपार्टमेंट्स और इसके अलावा पेंट हाउसेज़ के लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो कि 3000 स्क्वायर फीट के हैं और इनकी लॉन्चिंग प्राइस जो है वो 74,50,000 रुपये बहरिया की तरफ से रखी गई है और इसकी जो डाउन पेमेंट थी वो 6,45,000 रुपये थी और इसकी अब तकरीबन 10 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो जा चुकी हैं और इसके अलावा कुछ ओन जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। इसमें जो वेस्ट ओपन के कैटेगरी के अपार्टमेंट है, इसके अलावा पार्क फेस के क्या नाम अपार्टमेंट्स हैं और इसके अलावा कुछ कॉर्नर के अपार्टमेंट्स हैं। 3 कैटेगरीज़ के अपार्टमेंट्स जो हैं 2 बेड के वो आपको इसके अंदर मिलते हैं और अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं इसको तो आपको डाउन पेमेंट और जो इंस्टॉलमेंट्स पे की जा चुकी हैं और ओन जो आपको जो है वो देकर आप कोई भी अपार्टमेंट यहाँ पर आप बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी ख़ास बात यह है कि इस पार्क के अंदर आपको एक आर्टिफिशियल लेक है, ओपन एयर थिएटर इसमें आपको दिया गया है, इसके अलावा मेज़ गार्डन, फ्लावर गार्डन और रेड रॉक, बगी ट्रैक, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और इस तरह की डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसके अंदर आपको मिलेगी और इसके अलावा बारबेक्यू के लिए और फूड के लिए डिफरेंट कियोस्क यहाँ पर मौजूद हैं। डिफरेंट बारबेक्यू के लिए एरियाज़ जो हैं वो इसके अंदर मुख्तस जो हैं वो किए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल का, जिस तरह कि न्यूयॉर्क के अंदर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो व्यूज़ आपको न्यूयॉर्क में मिलते हैं वही व्यूज़ आप यहाँ कराची में बहरिया टाउन के अंदर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। और यहाँ पर इनकी अपडेट में आपको बताता चलूँ तो टोटल जो है 13 टावर्स जो हैं वो बहरिया की तरफ से ये लॉन्च किए गए हैं सेंट्रल पार्क के और इसके अंदर जो 7 टावर्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो आपको देखने को मिलती है। इसका फ्लोर प्लान जो है ग्राउंड प्लस 14 के जो है ये टावर हैं और टोटल इसके अंदर अपार्टमेंट्स आपको दिए गए हैं, कोई शॉप्स वगैरह इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी और 13 फ्लोर्स तक अपार्टमेंट्स हैं और जो 14 फ्लोर होगा उसके ऊपर आपको पेंट हाउस जो है वो दिया गया है। तो अगर यहाँ पर कोई भी आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम जो सेंट्रल पार्क का व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मज़ीद अगर आप इस अपार्टमेंट के अंदर आप बुकिंग करवाना चाहते हो या कोई अगर आपका अपार्टमेंट है आप उसको इसमें सेल भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 0308043158 के ऊपर एनी टाइम मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।